मैं हूं आपके साथ आयुष्मा और आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। द स्टोरी ऑफ पोखरण की सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म में कुछ भी बेकार का शामिल नहीं किया गया है। परमाणु की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें फिल्म के कुछ एक सदाबहार जॉनरे का मिश्रण आपको एक कहानी के अंदर देखने को मिलेगा। इस कहानी में एक अंडरडॉग है, थ्रिल है और साथ ही साथ मनोरंजन भी है। भारत ने 1998 में अपना परमाणु टेस्ट किस तरह से किया था ये उसी को बयां करती है, जो बेहद ही रोचक और दिलचस्प है। इस फिल्म से जुड़े सभी लोग मुबारकबाद के हकदार हैं कि भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण की कहानी को उन्होंने बड़े ही रोचक अंदाज में फिल्मी पर्दे पर उतारा है। भारत के 1998 के परमाणु परीक्षण की कहानी इतनी अनूठी है, ये बात अभिषेक शर्मा की इस फिल्म को देखकर पता चलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि दुनिया की नजरों से अब तक इस छुपी हुई कहानी को कहने का अंदाज भी बेहद लुभावना है। अभिनय के मामले में सभी अपने अपने किरदार में घुसे हुए नजर आते हैं। सबसे पहले बात जॉन की करते हैं। जॉन को जितनी मेहनत इस फिल्म के लिए करनी थी वो सभी कुछ उन्होंने इसमें झोंक दिया है, लेकिन अभी भी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर परेशानी होती है। बेहद ही इंटेंस सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स के दौरान वो मात खा जाते हैं। हालांकि फिर भी उनके काम में ईमानदारी की झलक जरूर आती है। अम्बालिका के रोल में डायना पेंटी बेहद ही सहज है। पूरे मिशन को सुरक्षा देने वाली की भूमिका उन्होंने बड़े ही बखूबी से निभाई है। प्रिंसिपल सचिव हिमांशु शुक्ला की भूमिका में बोमन ईरानी है और काफी समय के बाद नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर इस फिल्म से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको सरल शब्दों में बताया गया है, जिसकी वजह से इस फिल्म की पहुंच दूर तक हो जाती है। इस हफ्ते आप 1998 के भारत के परमाणु परीक्षण की कहानी को देख सकते हैं। मनोरंजन के साथ साथ इतिहास की कुछ दबी हुई चीजों से भी आपको दो चार होने का मौका मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।